दोस्तों, आज हम वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के बारे में पढ़ेंगे जो कि इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंतर्गत डिफाइन की गई है और अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 सी और आपका रूल 2BA में, राइट। वॉलंटरी रिटायरमेंट के अंतर्गत हमारे रूल हैं, उनके अंतर्गत हम लोग जो अमाउंट होती है वो उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उसमें एग्जेम्प्टेड अमाउंट कैसे निकाली जाती है और फिर उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इसका फॉर्मूला है हमारा उसको कैलकुलेट करने का, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एग्जेम्प्टेड। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट कौन सी है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव, मैक्सिमम 5 लाख एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा पॉइंट मैक्सिमम 5 लाख, थर्ड इज 3 मंथ सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, 3 मंथ सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और सैलरी लास्ट ड्रॉन, फोर्थ रूल आएगा, सैलरी लास्ट ड्रॉन इंटू बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट। ठीक है, सैलरी लास्ट ड्रॉन इनटू बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट। ठीक है, सैलरी में यहाँ पे क्या क्या चीज़ इंक्लूड की गई है? बेसिक पे प्लस डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस डीएनएस पे प्लस फिक्स रेट ऑफ कमीशन बेसिक पे प्लस डी अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस डीएनएस पे प्लस फिक्स रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, अब रूल 2B के तहत में आएगा स्कीम। कुछ इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि आप लोग डिस्कस कर लीजिए, रूल जो कि 2BA में डिफाइन किए गए हैं। स्कीम मस्ट बी एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉई, ये सभी एम्प्लॉय के लिए है जिसकी हु हैव आइदर कंप्लीटेड एज ऑफ 40 ईयर, जिसने 40 साल की तो एज कंप्लीट कर ली है, एंड कंप्लीटेड 10 ईयर ऑफ सर्विस, और जिसने कम से कम 10 साल की जॉब भी कर ली है। दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल टू एन एम्प्लॉय ऑफ अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, द वैकेंसी कॉज्ड बाय VRS इज नॉट टू बी फिल्ड अप। ठीक है, जो VRS के द्वारा वैकेंसी बनी है उसको फिलअप नहीं किया जाएगा। द रिटायरिंग एम्प्लॉय इज नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन अनदर कंपनी, जो रिटायरिंग एम्प्लॉय है उसको नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द अनदर कंपनी बिलोंग टू द सेम मैनेजमेंट, उस मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत उसको एम्प्लॉयड नहीं किया जाएगा। एनी रिलीफ हैज़ बीन अलाउड अंडर सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 के तहत इन रिस्पेक्ट ऑफ VRS, नो एग्जम्पशन शैल बी अलाउड अंडर दिस स्कीम के तहत में कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलती है। ठीक है, एक सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 में, क्लियर। तो इसके रूल क्या है? सबसे पहले 40 ईयर्स की एज पर और जिसने जो है कंप्लीट 10 साल की कम से कम जॉब को कंप्लीट कर लिया वो VRS के लिए एंटाइटल है। पहला, दूसरा पॉइंट था आपका VRS की जो वैकेंसी को फिलअप नहीं किया जाएगा। तीसरा जो है, जो VRS एम्प्लॉयड हैं उनको सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा और ना ही अंडर सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 के तहत उसको रिलीफ मिलेगा। लिए एक न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखते हैं। मिस्टर हिटिस आफ्टर सर्विंग अ जेट फॉर 20 ईयर्स 7 मंथ्स ऑफ द वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, द टोटल 10 ईयर ऑफ सर्विस 30 ईयर्स, 30 साल की जॉब है, 23 साल 7 महीने उसने जॉब कर चुका, कॉम्पनसेशन रिसीव्ड हुआ 8 लाख रुपए। तो 8 लाख का तो कॉम्पनसेशन लिख लीजिए आप यहाँ पे, मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख रुपीज़, फिर 3 मंथ सैलरी प्लस इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और सैलरी हमारी दे रखी है 15,000 इनटू 3 इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, 3 मंथ सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, उसने कितने साल जॉब करी है? 23 ईयर्स, 15,000 इनटू 3 इनटू 23, 10,35,000 रुपीस। एंड देन फोर्थ रूल है हमारा, सैलरी लास्ट ड्रॉन इनटू बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट, सैलरी लास्ट ड्रॉन इनटू बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट। तो सैलरी लास्ट ड्रॉन हमारी कितनी है? 15,000 की। अब बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट निकालने होंगे, तो हमने देखते हैं कि 30 साल की जॉब में 23 साल 7 महीने उसने जॉब करी है। ठीक है, कितने महीने उसकी बची जॉब? 30 ईयर्स में से अगर हम 23 ईयर्स 7 मंथ्स को अगर हम डिडक्ट करते हैं तो 524, तो हमारा रिमेनिंग बचेगा 6 ईयर्स 5 मंथ्स, राइट। अब 6 ईयर 5 मंथ्स को अगर हम कंप्लीट मल्टीप्लाई करें तो 12 × 6 + 5, डेट इज 77 मंथ्स, 77 मंथ्स, 15,000 × 77, 11,55,000, फिर लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एग्जेम्प्टेड। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट कौन सी है? 5 लाख रुपीस, 5 लाख रुपये एग्जेम्प्टेड है हमारे, तो एग्जेम्प्ट हमारी अमाउंट आ गई 5 लाख रुपीस,
एंड टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी 8 लाख में से 5 लाख अगर हम माइनस करते हैं तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 3 लाख रुपीस टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, होपली आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आएगा वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम का। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।